तो गाइस नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आप सभी का मित्र रुपेश पांजल, आप देख रहे हो आपके अपने दोस्त को। सो गाइस, आज के जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा नवीं के लिए विषय आपका जो विज्ञान है उसमें हम वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उनको ट्रिक के माध्यम सीखने वाले हैं और पूरा जो उत्तर आपको मिलने वाला है, प्रश्न भी मिलेगा उत्तर भी मिलेगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा सभी में पूछा जाएगा, क्योंकि हम इन प्रश्नों को विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार करवा के लेकर के आए हैं। तो आपको पूरा सीखना अच्छे से, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, ये सारे काम आपको बाद में करना है। पहले आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वाष्पन से संबंधित है। वाष्पन को हम वाष्पीकरण भी बोलते हैं। अब वाष्पीकरण को हम सबसे पहले समझने वाले हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वाष्पीकरण कहते किसे, उदाहरण सही समझाइए या फिर वाष्पीकरण की परिभाषा बताइए उदाहरण दे करके, या फिर वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं उदाहरण दे करके स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का जो तरीका है, पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, वो अलग हो सकता है। तो आपको समझना क्या है, आपका जो वाष्पन है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई वाष्पन ही है ये, बाकी पूछ किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए वाष्पन को हम सबसे पहले समझेंगे, वाष्पन को हम वाष्पीकरण भी बोलते हैं। देखिए किसी द्रव का, सबसे पहले द्रव को समझेंगे, द्रव होता क्या है। आपने पानी देखा है, पानी जो अवस्था है, देखिए पदार्थ आपने देखा है, सबसे पहले पदार्थ को देखते हैं। पदार्थ, अब पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस वो जो कि मजबूत होता है और द्रव वो जो कि थोड़ा उससे कम मजबूत होता है, और एक और होता है गैस जो कि सबसे ज़्यादा हल्का होता है। गैस तो बहुत सी जगह दिखती भी नहीं, सिर्फ वो फील हो सकती है, हमको महसूस हो सकती है। तो द्रव, द्रव जैसे कि पानी आपने देखा है, केरोसिन यानी कि बोले तो आपने कड़ा तेल देखा होगा, है ना, घास लेट जिसे हम बोलते हैं, और पेट्रोल आपने देखा होगा, पेट्रोल भी क्या है, द्रव है। द्रव यानी कि तरल पदार्थ, ठीक है। तो देखिए किसी द्रव का उसके क्वथनांक से, अब यहाँ पर आपको क्वथनांक भी समझना होगा। क्वथनांक है क्या, देखिए एक होता है गलनांक, एक होता है क्वथनांक। क्वथनांक वो चीज़ होती है जिस पर कोई, देखिए सबसे पहले गलनांक समझिए, कोई भी ठोस पदार्थ है वो जिस ताप पर गलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। लेकिन क्वथनांक, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है तो उसे बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक समझ में आया। तो देखिए किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर, यानी कि उस जो जिस तापमान पर उबलता है उससे नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना या क्रिया वाष्पन अथवा वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए, मान के चलिए कोई भी द्रव पदार्थ है उसका, ठीक है ना, क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, कोई भी द्रव है, मान के चलिए पानी है, अब पानी जो है उसका क्वथनांक से नीचे अवस्था पर, नीचे तापमान पर वो स्वतः ही वाष्प में जब बदलेगी, वाष्प में आप देखते हो ना, मान के चले आपने कभी कभी पानी को गर्म किया होगा, तो गर्म जब करते हो तो ऊपर जो सफ़ेद बदल जैसे जो कुछ भाप रहती है वो ऊपर जाती है, तो वही क्या है, वो वाष्प है, क्या है, वाष्प है। तो वाष्पीकरण आपने समझ लिया, किसी भी द्रव का वाष्प में बदलने की घटना क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। उदाहरण आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, उदाहरण जैसे कि पानी का उबलना व वाष्प में बदलना, ये आपका हो जाएगा उदाहरण। तो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ये प्रश्न एग्जाम में आ रहा है, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है समझाइए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो बदल सकता है, ये आपको पता है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ऊर्ध्वपातन को समझते, किसी ठोस पदार्थ की
सॉरी किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना या क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब इससे आप क्या समझ रहे हो, कोई भी ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ यानी कि मजबूत, जो कि निम्मर हो, जो कि अंदर से ठोस हो, मान के चलिए ये मेरे पास जो कंगा है, मान के चलिए ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है, एक निम्मर है, लोहा है, क्या है, ठोस पदार्थ है। तो उस ठोस पदार्थ की बात हो रही है, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, आपने कोई ठोस पदार्थ गर्म किया मान के चलिए, तो उसका बिना द्रव अवस्था में बदले हुए, यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ है, अब अगर लोहे को गर्म करोगे तो द्रव में बदलेगा, लेकिन उसको द्रव में नहीं बदलना चाहिए। किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बिना द्रव अवस्था में आए, ठीक है ना, सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना या क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण जैसे कि मैं आपको बता दूं, कपूर, अब कपूर है, कपूर क्या एक ठोस पदार्थ है, इसको आप जलाओगे तो ये क्या द्रव अवस्था में आएगी, नहीं आएगी, सीधे गैसीय अवस्था में जाएगी, उड़ जाएगी, मतलब है ना गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये घटना क्या है, ऊर्ध्वपातन, किसी भी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलने की घटना या क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सिंपल है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न आ रहा है एग्जाम में, फटाफट से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, नीचे गलनांक। अब गलनांक क्या है, गलनांक से आप क्या समझते हैं, गलनांक की परिभाषा बताइए उदाहरण दे करके। तो देखिए हम समझते हैं, देखिए वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ, वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, उसको ठोस का गलनांक कहते हैं। फिर से समझेंगे, वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। कोई भी स्थिर ताप है, गलनांक जो है एक प्रकार का ताप है, क्या है, ताप है, कौन सा ताप है, यह वह ताप है जिस पर जो अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो उस पर जो ठोस पदार्थ है वो ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है। देखिए इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वह ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, वह ठोस पदार्थ जिस ताप पर गर्म होना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई भी ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है, वीडियो अगर यूज़फुल लगी है, उपयोगी है वीडियो आपके लिए, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आप उसका आनंद उठाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हम मिलते हैं आप सभी के सामने नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।